सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आईपीएल 2019 का आगाज शनिवार को हो रहा है। चेन्नई में होने वाले ओपनिंग मुकाबले में धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स और विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आमने सामने होंगी। दुनिया के हर कोने में इस सबसे महंगे क्रिकेट लीग को देखा जाता है, लेकिन इस बार ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में प्रसारित नहीं होगा। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद अहमद ने अहम जानकारी दी है। फवाद अहमद चौधरी ने कहा है कि भारत ने पिछले महीने पाकिस्तान सुपर लीग PSL के मैचों का प्रसारण नहीं किया था, इसलिए इस बार IPL को भी पाकिस्तान में नहीं दिखाया जाएगा। फवाद अहमद ने ये बातें पाकिस्तान के एक टीवी चैनल से कही। फवाद अहमद चौधरी ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को बताया, PSL के दौरान जिस तरह भारतीय कंपनियों और भारत सरकार ने पाक क्रिकेट के साथ व्यवहार किया, उसके बाद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में IPL का प्रसारण किया जाए। दरअसल 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमलों के बाद IMG रिलायंस और डी स्पोर्ट्स ने भारत में पाकिस्तान सुपर लीग PSL का प्रसारण करना बंद कर दिया था। बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दूसरा ब्रॉडकास्ट तलाशना पड़ा था। बता दें कि बीते दिनों 14 फरवरी से लेकर 17 मार्च के बीच पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे सीजन का प्रसारण बंद कर दिया गया था। अगर आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।